हां जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे पास इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, मैं क्या करने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि है क्या एक्चुअली में, बात क्या है। तो मूंगी की दाल बनाई थी, बच्चों ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे। अजीब जैसे नखरे, मेरे को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारा तो ऐसा है भाई, जो भी खाने को मिल जाए ना, पेट भरने से मतलब है कि हाँ, मतलब जिंदा रहना तो खाना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं कि हम और कुछ खाते हैं, लेकिन दाल अब रोज ही मैं कहाँ से नया लाऊं, है ना। आप लोग समझते हैं कि कितनी दिक्कत होती है हर रोज सब्जी बनाने में, एक नई सब्जी मैंने कहाँ से लानी। दाल तो बिल्कुल नहीं खाने, घी का तड़का लगाया, ये देखो यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है कुछ, मैंने ये बिना तुड़की हुई है जो कुकर से उल्टाई अभी, और नीचे तुड़का लगाया और हरा धनिया वगैरह डाल के सब कुछ बढ़िया किया। दिन को भी नहीं खाया, तो अभी शाम मतलब शाम का बन रहा है ये इन दोनों के लिए, अपने लिए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा खिलानी तो मैंने है, फेंकनी तो मैंने है नहीं, हम दो भी कितनी सी खाएंगे। तो मैंने क्या किया कि एक आलू जो है कद्दूकस कर लिया, ठीक है। ये आलू मैंने यहाँ पे ये कद्दूकस करके, मैंने कहा पहले क्या बताना, फिर एक कद्दूकस किया कच्चा आलू एक, ठीक है। तो मैं इसको भी डालूंगी, देखते रहिए आप लोग नए तरीके से हम इसको बनाएंगे। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे ये दिखाती हूँ, मैं ये मैं लेके आई हूँ नीचे से, काफी देर पहले लेके आ गई थी। तो मैं पालक के पत्ते, धनिया है और लहसुन की पत्तियां हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रेश है अपने घर की। थोड़ा सा फोन दूर है, हो सकता है आवाज में थोड़ी दिक्कत हो, पर नहीं इतनी नहीं हो सकती, वैसे तो मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ। तो अब इसको काट लेती हूँ ना, पर मेरे को गुस्सा बहुत आया। हम तो नहीं खाएंगे दाल, ऐसे नखरे मारते हैं ना, जैसे पता नहीं भाई कितनी की इनकम है, कि या इनकम भी वो भी नहीं करते ऐसे नखरे। और मूंगी की दाल तो सबसे अच्छी होती है ना, और भाई इनको मैं रोज ना नया खिलाऊं, और इतना सारा है नहीं, ये भी मैंने इसमें डाल दिया देखो काट के, इतना सारा है नहीं। मैं काम से आए कहीं से, तो ये हमारे को पूछे बेचे चाय बनाए। मैं तो सच्ची जैसी बात बोलती हूँ, माँ बाप को तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, पर बस है ना इसलिए बोलते हैं। मैं बोलती हूँ बहुत खुश किस्मत है वो जिनके लड़कियां हैं, लड़कियां माँ का बहुत साथ देती हैं, हमेशा देती हैं, जब तक माँ इस दुनिया में है तब तक। लेकिन चलो अभी थोड़ा सा ना लहसुन की पत्तियां भी काट लेती हूँ मैं, पालक तो मैंने सारा काट लिया, और आप लोगों से गप्पे भी हो गए है ना, बिल्कुल बारीक बारीक हमने इनको काट लेना है छोटा छोटा करके, चॉपर के ऊपर ना बहुत अच्छी तरह से काटा जाता है। और अच्छा हाँ, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि और किस किस के घर में ये नखरे नखरे हैं कि हमने नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, ये किस किस के घर में है ये मेरे को जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया, ये देखो, और अब भी मैं इसमें डाल दूंगी ये दाल, ठीक है, ये दाल मैंने इसमें डाली। अब मेरे को ना हाथ धोने पड़ेंगे एक मिनट, क्योंकि मैंने मसालदानी निकाल ली ऊपर से, बस उतनी चीजें नहीं है, मेरे को अजवाइन नहीं मिल रही है, मैं अजवाइन ढूंढ रही थी। तो अजवाइन इसमें जरूर डालना आप लोग भी, इस तरह से ज्यादा नखरे मारते हो ना बच्चे। तो ये मैंने इस तरह से मिर्ची डालने से ना बहुत अच्छा बनता है ये, और मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया मिर्चों से ना वो आई, और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं हल्दी, थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, और ये मैंने डाल दिया इसमें नमक, वैसे दाल में भी है पर कहीं कम ना हो जाए तो मैंने इसके लिए डाल दिया, और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं अब जीरा पाउडर, धनिया पाउडर तो है नहीं, तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, क्या बोले जा रही हूँ। और अभी मेरे को एक चीज और डालनी है, सारी चीजें ना मैं एक साथ रखती हूँ यहाँ पे, इतनी बड़ी सेल बनी हुई है, फिर भी ना ये सामान को इधर उधर करेंगे ही करेंगे, मतलब पता नहीं क्यों करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आता। और ये मैंने इसमें डाल दिए थोड़े से तिल, ठीक हाँ। तो मैं ये है काली मिर्च, और उसके बाद हम डालेंगे एक ये अमचूर पाउडर, ठीक है। अभी देखना आप इसका,
बनेगा इतना अच्छा मटेरियल। तो अभी पहले दाल डाली है ना, तो वैसे देख लेते हैं इस तरह से ना कि ये कितना सा पानी और मांगेगा आटा, है ना। पानी नहीं डालना पहले, अगर पानी डाल दिया तो फिर, क्योंकि दाल में पानी है। ये देखिए एक चीज रह गई इसमें डालने को, क्योंकि मेरे से अब होता नहीं, मैं थकी भी हूं सारा दिन, ऐसा ही कि है नहीं, है सब अदरक भी है लहसुन भी है, पर भैया मैं सच्ची में थकी हूं। तो इस तरह से हमने इसको खिलाऊंगी, मैंने कुदाल ही। देखो अभी इनको क्या तो सबके लिए बन जाएंगे मुझे लग रहा है। ये देखिए अभी बना नहीं है, पर हमने इसको आटे की तरह गूंथना है इस तरह से। वैसे तो सुबह बढ़िया बनता ही है, पर मैं बस जितना खाएंगे उतना बनाऊंगी, फिर बाकी रख दूंगी फ्रिज में, फिर सुबह खाते रहेंगे। तो चलो इसको थोड़ा सा और गूंथूंगी, फिर मैं इसको ना 10 मिनट के लिए ऐसे रख दूंगी, 10-15 मिनट बाद फिर मैं पकाना शुरू करूंगी। तो चलिए मैं अभी बनाने लग गई हूँ। और ये जो आप दूसरी तरफ परात देख रहे हो ना, दूसरी साइड, तो ये परात, इसमें आटा गुना हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने तो चपाती खानी थी, तो फिर मेरे दिमाग में बाद में ध्यान आया, फिर मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि आटा जो मैंने फुलकों के लिए गूंदा था ना, उसको रख देती हूँ किसी उसमें बर्तन में, ठीक है। और ये परांठे हो जाएंगे, कुछ सूखे बना दूंगी, कुछ मैं घी लगा दूंगी। तो इसमें फिर मैंने इसमें इसकी लोइयाँ बनानी शुरू कर दी थी, आग तेज़ कर दी थी, और आग के ऊपर बने तो वैसे बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं नन्नी के पापा को बोला कि मेरे पास थाली पकड़ा दो, तो मैं इस तो बस इसमें ज़्यादा जोर नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसको इकट्ठा भी नहीं किया, इसी वाले बर्तन में लिया जो दूसरा बर्तन था, इसमें गूंदा था, इसको इकट्ठा उकट्ठा कुछ नहीं किया, ऐसे ही निकाल रही थी। और आरियां बना के बस ऐसे बड़े बड़े बनाए थे मैंने ये पेड़े, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और दाल आलू सबका इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो मैं घी लगा रही हूँ, घी से मन के घी लगाती हूँ, तेल रहने देती हूँ। और अपने लिए फिर दाल तुड़की बाद में, दाल थे और दिन को चावल बनाए थे, मतलब शाम के टाइम जैसे शानों के लिए बनाए थे, तो थोड़े से ज़्यादा बना दिए थे मैंने, तो वो हो गए थे फिर सबके लिए। पर दाल चावल सिर्फ हन्नी के पापा ने खाए दाल, बाकी बच्चों ने तो यही खाए, और दूध के साथ लिए इन्होंने कि हमने दूध के साथ खाने हैं। बस बीच बीच में लकड़ियां लगानी पड़ती है चूल्हे में, बस ये रहता है दिक्कत की लकड़ियां अगर आँच कम हो गई तो फिर कच्चे रह जाते हैं, रोटी है चाहे कुछ भी है। तो इस तरह से मैंने फिर काफी बना लिए थे। बादू जी तेहूंगा ना स्वाद, थोड़ी देर बाद आओ ना स्वाद, लाइट ऑन कर दे समापन, थोड़ी देर बाद आओ, ऐसा लाइट ऑन कर दे तू जी। नाने तो तेल बनाया भी तो बड़े टेस्टी बने थे पराठे। जय माता जी, गुड नाइट। सुना आप लोगों ने अच्छे बने थे, खिलाती मूंग की किताब। बहुत नखरे भाई बच्चों के, बहुत नखरे आजकल के बच्चों के, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और मैंने दो खाए, दो मतलब मैंने सूखे बनाए थे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो इनमें तेल नहीं लगा है। अब मैंने रोटी खानी थी रजनी, मेरे को भूख ही नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, अब सुबह ही खाऊंगी, नहीं तो फिर ओवर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, अब नहीं खानी है। तो कैसे लगे आपको परांठे? परांठे थे क्या था है? जो भी था डिनर में मतलब परांठे थे, मैंने घी लगाया था इनमें, और मिक्स जैसी रोटी बन गई थी, रोटी बोलो आप, है ना, कुछ भी बोलो। ये मैंने अपने दिमाग से बनाए थे, कहीं से वीडियो नहीं देखा था, मैंने कहा चलो इस तरह से बनाते हैं। आलू का अलग टेस्ट था,
पालक था, इसमें बहुत सारी चीजें थी। तो इस तरह से बच्चों को ना थोड़ा और कुछ करके ना वही चीजें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर हम बनाते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो फिर ये तो बहुत दिमाग खाते हैं सच्ची में। ये नहीं खाना भूल गया, हन्नी बोलता मम्मी इससे अच्छा तो आप सिंपल परांठे बना देते। मैंने कहा खा चुपचाप अगर खाने, माँ के हाथों की रोटी किसी किसी को नसीब होती है, समझा। तो फिर मैं उनको इस तरह से इमोशनल भी करती हूँ, दिमाग खा देते हैं यार, बहुत दिमाग खाते हैं। ये नहीं करना वो नहीं करना, मैं कैसे नखरे नहीं मानू, मैं बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा अपना शरीर ठीक नहीं, तुम्हारे को ये पड़ी रहती है कि ये ठीक नहीं बना वो ठीक नहीं बना। काम तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरे को बना के दो, है ना। और ऊपर से देखो यहाँ कितने लाल है मेरी, ये वाले यहाँ नहीं आपको दिख रही है लेकिन इसमें दिक्कत है। तो बस ये सारी चीज़ें थी और बहुत सी बातें होती है, वो मैं सारा रिकॉर्ड भी नहीं कर दिया, ऐसे बता देती हूँ आप लोगों को, फिर वो अपनी भाषा में बोलेंगे, फिर कई लोगों को समझ नहीं आएगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो को ऐड भी करते हैं, फिर मिलेंगे आपको सुबह किसी दूसरी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, माता रानी आपको स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे, आप सुखी जिंदगी जियो और आपके बच्चे कामयाब हों, आपके सपनों पर खरे उतरे। बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करना, दुआओं में बहुत ताकत होती है, दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा सच्चाई होती है, अगर सच्चे मन से दुआ की जाए तो बहुत जल्दी वो लगती है, ठीक है। तो चलिए अब सो जाते हैं और फिर मिलेंगे आपको कल सुबह की वीडियो में, दूसरी वीडियो आएगी तो शाम के टाइम आएगी वैसी वीडियो, लेकिन अभी मैं जो एंडिंग कर रही हूँ रात के बज चुके हैं 10 और बस अब मैंने सोना है, बस 10-11 बजे के करीब मैं सोती हूँ और सुबह 5 बजे फिर मैं उठती हूँ। हाँ आजकल मैं दिन को 1-1.5 घंटा बिल्कुल रेस्ट करती हूँ, सर्दियों में तो नहीं करती थी क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं, अब बराबर लग गई होने थोड़े थोड़े। तो चलो जय माता दी, राम राम।